हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप कि आप अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो उसी पढ़ाई को मैं एक स्टेप और ऊपर लेकर के जाने वाला हूं, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे ज्यादा जो बोरिंग सब्जेक्ट है हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। हिस्ट्री का जो है फुल सिलेबस हम लोग रिविजन आज के इस वीडियो के अंदर कर देंगे। और ये जो वीडियो है ज्यादा बड़ी नहीं रहेगी, 20 से 25 मिनट्स की रहने वाली है, लेकिन ये जो 20 से 25 मिनट का टाइम है इससे आपके एग्जाम के बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। अब आप बोलोगे कि भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्यों आ सकते हैं, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना जो कि मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूं, ये क्वेश्चंस है ना बहुत बार रिपीट हुए हैं लास्ट ईयर्स के। अगर आप 10 ईयर्स के पेपर देखोगे तो आप देखोगे कि हाँ भैया इन टॉपिक से बार बार क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जाम के अंदर भी यही क्वेश्चंस बार बार पूछे जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप इसे पूरा देखें। और उसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि आप लोगों को मैथ्स का अगर ब्लू प्रिंट देखना है कि भैया हमारा हाफ ईयरली का पेपर कैसा आएगा, अगर आपको देखना है कि भैया साइंस का हमारा पेपर कैसा होगा, साइंस का ब्लू प्रिंट क्या होगा, उसी के साथ में इंग्लिश का भी पेपर अपलोडेड है, तो इन सभी की जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, जहां से जाकर के आप ना अपने कंप्लीट जो है हाफ ईयरली एग्जाम की बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इन वीडियोस को देखते हो, इन पेपर को देखते हो, तो उस स्टूडेंट से आप ज्यादा स्कोर करोगे जिस स्टूडेंट को पेपर का आइडिया ही नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि हाँ भाई जैसे कि जो हमारी हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री के अंदर आज हम लोग बात कर लेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ऑलरेडी का आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई एमसीक्यू इस तरीके से आते हैं, ये मतलब कि थ्योरी वाले क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, तो इन सभी चीजों का आपको आइडिया होगा। तो इसीलिए जिस भाई सब्जेक्ट का पेपर हो उसके आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हो और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और भी आगे वीडियोस हैं वो आपके लिए हों, क्योंकि सब्सक्राइब का बटन आप लोगों के लिए होता है, और शेयर जरूर से कर देना अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। फालतू की ज्यादा बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधा टू द पॉइंट आते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन आता है, वो आता है कि हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसको लिखने का एक तरीका सीखो। सबसे पहले तो हिस्ट्री के जो आंसर्स होते हैं इनको लिखने का एक तरीका होता है, वो ये होता है कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ अ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। जैसे कि यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है, ब्रह्मास्त्र आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, इट क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस एज मेंशन बिलो। अगर आप ये लाइन नहीं लिखते और आप डायरेक्टली ये पॉइंट भी लिखते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन जब ये लाइन लिख दोगे तो एक तरीके से थोड़ा एक इंप्रेशन जो है एग्जामिनर पर वो अच्छा जाएगा और आंसर थोड़ा बड़ा लगेगा। ये जो दो लाइनें हैं वो आपने क्या करी है, सिंपल सा कॉपी करा है, इसमें से क्वेश्चन में से कॉपी करा है और इसको पेस्ट कर दिया। ये तो होता है समझदार लोगों का काम कि उनके आंसर्स बड़े बड़े इसीलिए दिखते हैं, क्योंकि वो ज्यादा याद भी नहीं रखते, थोड़ा बहुत याद रखते और उसको एज इट इज इंप्लीमेंट करने का तरीका उनका अच्छा होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है ये सब क्या लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं मैंने पॉइंट्स में ही आपको आंसर लिखना है, पैराग्राफ के अंदर आंसर मत लिखना। ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि पैराग्राफ में लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये है आप लोगों के पास में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसके लिए हमें क्या करना है, बस 5 लाइन लिखने जो कि बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हैं, स्वीट हैं, आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। वहीं पर अगर आप पैराग्राफ लिखोगे तो वो काफ़ी ज्यादा बड़ा हो जाएगा और जो वो अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है। आपको ये 5 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला तो ये कि आपको एक लाइन क्या करनी है, क्वेश्चन में से कॉपी करना और उसे पेस्ट करना है। सेकंड, आपको ये 5 पॉइंट छोटे-छोटे याद रखने। अब ये पॉइंट किस तरीके से हैं, सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट दिया गया कि द डिफेंस एक्सपेंडिचर हैज बीन इंक्रीज, सिंपल सा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि वॉर लोन्स वर टेकन एंड मोर टैक्सेस वर इम्पोज्ड। फिर इसके बाद में थर्ड ये है कि कस्टम ड्यूटीज को रेज कर दिया गया था। फिफ्थ ये है कि इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अब देखो यहाँ पर ये टैक्स और ये टैक्स अलग अलग लाइनें एक में भी लिख सकते थे, लेकिन क्या करा हमें आंसर थोड़ा बड़ा और अच्छा दिखाना है, तो हमने क्या करा कि इसके अलग अलग पॉइंट बना करके लिख दिया। फिर इसके बाद में फिफ्थ आता है कि यहाँ पर द राइज इन द प्राइजेस लीड्स टू इन द एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द पीपल, मतलब अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो वहाँ पर जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। फिर इसके बाद में सिक्स आता है कि देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड ऑफ डिसकंटेंटमेंट इन रूरल एरियाज ड्यू टू द फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स। फिर इसके बाद में सेवन्थ पॉइंट आता है, यहाँ पर सेवन्थ पॉइंट के अंदर लिखा गया है कि 1918 से लेकर के 1919 और 1920 से लेकर के 21 तक जो था इंडिया के
अंदर जो था एक तरीके से क्या हो गया था, क्रॉप फेल हो गई थी, मतलब फसल नहीं हुई थी, जिस वजह से एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया था। इस तरीके से क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो सिचुएशन थी वो थी इंडिया के ऊपर। फिर सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस से क्यों लिया। अब इसके पीछे के रीजन क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे वही हमारी क्वेश्चन की कॉपी करके पेस्ट वाली लाइन, वो ये है कि गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ड्यू टू द रीजंस एज मेंशन बिलो। तो यहां पर ये रीजन है जिस वजह से करा। सबसे पहला रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन ये है कि द मूवमेंट वॉज टर्निंग वॉयलेंट इन टू मैनी प्लेसेस, काफी सारी जगह के ऊपर ये जो नॉन कॉर्पोरेशन था ये वॉयलेंस में जाने लगा था। फिर सेकंड पॉइंट आते हैं, सेकंड पॉइंट के अंदर कहा गया कि गांधी जी थॉट दैट द सत्याग्रही नीडेड टू बी अ प्रॉपरली ट्रेन्ड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर द मास स्ट्रगल। गांधी जी का मानना ये था कि अगर हमें एक बड़े लेवल के ऊपर अगर एक कोई मूवमेंट करना है तो उसके लिए हमें रेडी होना होगा, पूरा नॉन वॉयलेंस ही चाहिए। अगर वॉयलेंस करेंगे तो वहां पे हमें उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा। और गांधी जी को जब ये वॉयलेंस हुआ तो उससे उनको लगा कि अभी ये टोटली रेडी नहीं है। अब ये जो इंसिडेंट है, आप चाहो तो यहां से ये वाला जो आप लोग देख रहे हो यहां से आप एक नया पॉइंट भी बना सकते हो, इसको एक पॉइंट और बना करके ऐड भी कर सकते हो, ये अच्छा लग सकता है। ठीक है, आप तीन की जगह पर चार पॉइंट भी बना सकते हो इसके। अब ये क्या था, ये था यहाँ पर चोरा चोरी वाला इंसिडेंट। जैसे कि इसके अंदर यहाँ पर बताया गया कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ इंसिडेंट इन अ चोरा चोरी अ विलेज, ये क्या था, एक गांव था जो कि गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में था, यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में था। वहां पर क्या हुआ था, वहां पर ये हुआ था कि 22 पुलिसमैन जो थे उनको ब्रूटली मार दिया गया था आफ्टर दे हैड फायर्ड ऑन अ पॉलिटिकल प्रोसेशन। तो उसके बाद में इनको मार दिया गया था। देन फिर उसके बाद में जो भी हुआ था, गांधी जी को काफी ज्यादा बुरा लगा, फिर उन्होंने करा कि अभी ये मूवमेंट को रोकने की जरूरत है। और फिर थर्ड रीजन ये है, थर्ड रीजन देयर हैड बीन अ डिस्टरबेंस इन द मद्रास एंड कलकत्ता आल्सो, मद्रास और कलकत्ता के अंदर भी ऐसे कुछ वॉयलेंस वाले देखने को मिले थे, जिस वजह से गांधी जी को लगा कि अब तो मतलब करना ही पड़ेगा, इसको विदड्रॉ करना ही पड़ेगा। एंड द अबव फैक्टर मेड इट क्लियर दैट द कंट्री वॉज नॉट रेडी फॉर द मास मूवमेंट, ये जब सब कुछ हो रहा था तो इससे गांधी जी को लगा कि अभी ये मास मूवमेंट के लिए रेडी नहीं है, हम पूरा फिर से इसको लॉन्च करेंगे। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर कहा गया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि ग्रीक जो वॉर था वो इंडिपेंडेंस के लिए कैसे वर्क करा था। तो आपको सिंपल सा सबसे पहले एक्सप्लेन करना होगा कि ग्रीक वॉर हुआ क्यों था, कैसे हुआ था, वो सब एक्सप्लेन करना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर यही एक्सप्लेन करा गया कि द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आल्सो नोन एज द ग्रीक रिवॉल्यूशन वॉज सक्सेसफुल वॉर ऑफ डिपेंडेंस वेस्ट बाय द ग्रीक रिवॉल्यूशनरीज। और ये कब से लेकर के कब तक हुआ था, ये हुआ था 1821 से लेकर के 1832 तक अगेंस्ट द ऑटमन एम्परर। अब देखो यहां पर आप लोगों को एक छोटी सी मैं टिप देता हूं जो कि आपको एग्जाम के अंदर थोड़ा अच्छा और रिप्रेजेंट करवाएगी। ये जो डेट आ रही है इनको ऐसे अंडरलाइन कर लेना, जैसे कि 1831 1832, ऑटमन एम्परर, ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर जैसे कि मान लो कि एग्जामिनर जो है उसको थोड़ा जल्दी है तो वो क्या करेगा कि आपने अगर इनको हाईलाइट कर दिया तो सीधी उसकी नजर इन पर ही जाएगी कि ये क्या लिखा हुआ है। जैसे इसके ऊपर जाएगी वो दिखेगा कि हाँ यार इस बच्चे ने अच्छा लिखा हुआ है, थोड़ा सुंदर दिख रहा है, तो वो सीधा ज्यादा पढ़ेगा नहीं और आपको 5 में से 5 मार्क्स दे करके चला जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट रहेगा। तो ये जो हाईलाइट करने वाला है वो अभी से सीख जाओ कि जैसे कि ऑटोमन एम्परर हो गया, फिर इसके बाद में इसको ग्रीक रिवॉल्यूशन कहा जाता है, आप इसको भी हाईलाइट कर सकते हो। आपको ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स को हाईलाइट करना है जिससे कि आपका आंसर अच्छा दिखे और सुंदर दिखे। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या आता है कि फिर इसके बाद में जो ग्रीक्स थे उनको लेटर असिस्ट करा गया था रशियन एम्परर के द्वारा, ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा, और फिर उसके बाद में काफ़ी सारी यूरोपियन पावर्स थी उन सब ने भी क्या करा था, उनको असिस्ट करा था। फिर इसके बाद में यहाँ पर सेकंड आता है, वो आते हैं इवेंट्स। अब इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ग्रीक हैज बीन अ पार्ट ऑफ
ऑफ ऑटोमन एम्परर सिंस द 15th ऑफ सेंचुरी. 15th सेंचुरी से जो था ग्रीक जो था उसका पार्ट था ऑटोमन एम्परर का. देन फिर इसके बाद में क्या हुआ कि द ग्रोथ ऑफ द रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्कल्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस अमॉन्ग द ग्रीक विच बिगेंस इन 1821. अब देखो हुआ क्या कि जो नेशनलिज्म हो रहा था यूरोप में तो उसको देख करके इन लोगों के अंदर भी चिंगारी आई. फिर चिंगारी को क्या करा गया, आग के अंदर कन्वर्ट करा. आग ये था कि हमें भी स्वतंत्रता चाहिए, हमें भी इंडिपेंडेंस चाहिए यूरोप को देख करके. फिर यहां से इनकी स्टार्ट होता है कि यहां से ये सब इसका जो इंडिपेंडेंस वॉर स्टार्ट होता है. देन फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस स्ट्रगल वाज टू एक्सपेल टर्क फ्रॉम यूरोप एंड टू एस्टैब्लिश ओल्ड ग्रीक ईस्टर्न एम्पायर. तो इस जो वॉर था इसका सिंपल सा स्ट्रगल ये था कि जो तर्क है यूरोप से उसको उठा करके फेंकना है और जो पुराने ग्रीक ईस्टर्न एम्परर थे उनको फिर से एस्टैब्लिश करवाना है क्योंकि हम उनसे खुश हैं. फिर इसका अपने फोर्थ आता है कि द नेशनलिस्ट इन ग्रीक वर सपोर्टेड बाय द अदर ग्रीक लिविंग इन द एक्साइल एंड मैनी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज. तो यहाँ पर जो नेशनलिस्ट थे जो कि इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए आज़ादी चाहिए, इसको सपोर्ट था जो कि ग्रीक के बाहर लोग रह रहे थे उनका वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप वेस्टर्न कंट्रीज में. फिर इसके बाद में फिफ्थ आता है कि पोइट्स एंड आर्टिस्ट, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी अगर एक जो आपने कविता होती है, अब कविता ये है कि हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर के दीवार पर चढ़ती है वो बार बार गिरती है फिर बार बार चढ़ती है फिर बार बार गिरती है. तो मतलब एक तरीके से ऐसी जो कविता होती है वो आप लोगों को गूज़बम्प्स देती है. तो ऐसे क्या होता है कि इसमें भी जो आर्टिस्ट और पोइट्स थे ग्रीक के वो भी क्या करते थे, ऐसी कविताएं लिखते थे जिससे कि जो लोग हैं उनके अंदर देशभक्ति की भावना आए और वो क्या करें इसको सपोर्ट करें. इसीलिए पोइट्स का और आर्टिस्ट का इसके अंदर काफ़ी बड़ा एक रोल था. देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ अ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789. एग्जामाइन दिस स्टेटमेंट, या फिर ये भी हो सकता है कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट या फिर जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. सभी का मतलब एक ही होता है कि आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहली लाइन हमारी परंपरा के अनुसार हमें क्या लिखना होगा, हमें ये लिखना होगा कि जो क्वेश्चन है उसको कॉपी करके पेस्ट. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम अप विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789. फिर इसके बाद में क्या हुआ था कि द रिवोल्यूशनरीज इन अ फ्रांस टुक मैनी इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी विच वर. अब उसके बाद में आप पर ये जो पॉइंट्स है उसको आपको एज इट इज लिख देना है. सबसे पहला पॉइंट ये है कि द आइडिया ऑफ ला पेट्री. ला पेट्री का मतलब होता है कि द फादरलैंड एंड द ली सिटियोनी, मतलब कि द सिटीजन. और फिर उसके बाद में इम्प्रेसाइजेस द नोटेशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग द इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन. फिर सेकंड ये आता है कि अ न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राइकलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड. फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है कि स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड एज इन द नेशनल असेंबली. इसको ये जो पॉइंट्स थे, ये जो काम हुआ था वो सब इसमें बताया गया. इसके अंदर अब मैं क्या समझाऊंगा, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है. अब मैं ये समझाऊं कि बच्चों जो फ्रेंच फ्लैग था उसको तीन कलर का कर दिया गया था और फिर उसके बाद में इसको रिप्लेस कर दिया गया था फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड से, तो इसमें ज़्यादा कुछ सेंस नहीं निकलेगा, आपका टाइम ही वेस्ट होगा. और फिर इसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट ये है कि न्यू हाइमन्स वर कंपोज्ड एंड ओथ्स टेकन एंड मिथ्रेट्स कम्यूटेटेड ऑल द नेम ऑफ द नेशन. फिर इसके बाद में लास्ट ये आता है, लास्ट पॉइंट इसमें से आपको कोई भी अच्छा लगे, अगर तीन नंबर का आ रहा है तो तीन पॉइंट इसमें सफिशिएंट है. जो भी आपका मन करे, छोटे वाले याद रखने छोटे वाले रखो, बड़े वाले याद रखने बड़े वाले याद रखो, आपकी मर्जी. अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है जिसके अंदर की कहा गया कि हु लॉन्च द खिलाफत मूवमेंट एंड वाई द मूवमेंट वॉज लॉन्च. अब जैसे कि ये जो क्वेश्चन है इसको बहुत तरीके से पूछा जा सकता है. एक तो ये एमसीक्यू फॉर्म के अंदर भी आ सकता है, एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है एग्जामिनर का मूड अच्छा हुआ. फिर उसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है कि वाई वॉज द खिलाफत मूवमेंट लॉन्च, ये दो नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है. तो इसको मिला करके ये तीन नंबर के क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है, ठीक है, थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है. तो सबसे पहले लॉन्च किसने करा था, ये लॉन्च करा गया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने लॉन्च किया था इसे. अब ये लॉन्च क्यों करा था, ये लॉन्च इसलिए करा था क्योंकि ये सबसे पहले तो लॉन्च करा गया था मुस्लिम्स के द्वारा जो कि ब्रिटिश इंडिया को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, टू प्रोटेक्ट. इन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था
उसको एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रही थी कि वो प्रोटेक्ट करें द ऑटोमन एम्परर ड्यूरिंग द आफ्टरमैथ ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो यहाँ पर ऑटोमन एम्परर जो थे वो हार गए थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर स्टार्ट हुआ था, ना सिर्फ इंडिया के अंदर, ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हो रहा था। लेकिन इंडिया के अंदर जो इसको नाम दिया गया था, इंडिया के अंदर जो स्टार्ट करा गया था, वो करा गया था मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा स्टार्ट करा गया था। एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज एंडेड विद द डिफीट ऑफ ऑटोमन टर्की। ऑटोमन टर्की जो थे उनके हारने से यहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था। एंड देयर वॉज अ फियर दैट द पावर ऑफ ए स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड वुड बी कल्ब्रेटेड। मतलब एक तरीके से उनको एक डर था कि उनके जो हेड हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल हेड हैं जो कि खलीफा होते हैं, उनको अब हारने के बाद में क्या होगा कि उनकी थोड़ी डिसरेस्पेक्ट करी जाएगी। तो वो किसी को भी पसंद नहीं था। आप खुद सोच करके देखिए कि आप किसी को एक स्पिरिचुअल हेड मान रहे हैं और उसके अगर डिसरेस्पेक्ट होगी तो आपको गुस्सा आएगा, जायज बात है। तो इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड के अंदर मुस्लिम्स जो थे उनको इस बात से गुस्सा आ रहा था, इसीलिए उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट करा था। ठीक है, आई थिंक आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जरूर से यार लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर एक बार जरूर से कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ऐसी और वीडियोस आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाएगा। फिर इसके अंदर आप पर आते क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर कहा गया है कि व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द परपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919, एक्सप्लेन एनी थ्री रीजन। अब ये ऐसा क्यों करा गया था? सबसे फर्स्ट रीजन ये है कि द एक्ट हैज बीन अ हर्रीड पास थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। जो कि यहां पर एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि हमारे इंडियंस जो थे उनको किसी को भी एक्ट अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी इसको पास कर दिया गया था। फिर इसके बाद यहाँ पर सेकंड ये आता है कि इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो इसके तहत क्या था कि अगर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है तो बिना किसी नोटिस के, बिना कुछ आगे से इंफॉर्मेशन दिए, उसको बंद करा जा सकता है। वहां पर जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया जा सकता है बिना किसी रीजन के और उनको दो दो तीन तीन चार चार महीने के लिए जेल में डाल सकते हैं। कोई भी रीजन देने की जरूरत नहीं। अगर कोई पूछ नहीं भी है, वो बोल देते हैं हमारी मर्जी थी, हमने ऐसे डाल दिया, भाग यहां से, ऐसे करके। और जो एक तरीके से आप ये सोचो कि आप अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए गए हो और आपको ही पकड़ के जेल में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, तो वैसे ही उस टाइम पर हो रहा था। एंड यहाँ पर ये आ रहा था कि इट अलाउ द डिटेक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट द ट्रायल फॉर द 2 ईयर्स। तो 2 साल तक उनको बिना किसी पॉलिटिकल ट्रायल के उनको जेल के अंदर डाल देते थे। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर यहाँ पे आता है कि वाई डिड द नेशनलिस्ट टेंशन इमर्जेस इन बल्कान आफ्टर 1871। अब ये क्यों हुआ था? सबसे पहले तो ये समझो कि बल्कान होता क्या है। मतलब बल्कान क्या था? एक एरिया था जो कि काफ़ी सारे रिसोर्सेज थे उसको लेकर के बहुत ज़्यादा रिच था। जैसे कि आप खुद सोच के देखो कि आप एक राजा हो और आपको एक ऐसी जगह पता लगती जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि रिच है, वहाँ पर आपको गोल्ड मिलेगा, आपको वहाँ पर बहुत ही अच्छी फसल मिलेगी, तो आप क्या करोगे? वो सब चीज़ें लेना चाहोगे ना? एक राजा होने के तहत आप मान लो कि आप एक किंग हो और आपको एक ऐसा कंट्री मिलती है जिसके पास में ये सब है, तो आप क्या करोगे? उसको मारोगे, कुछ भी करके आपको बस वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो वैसा यहाँ पर हो रहा था। अब इसको समझो कि क्या हुआ था कि द बल्कन वॉज एन एरिया विद द ज्योग्राफिकल एंड एथिक डाइवर्सिटी बट वॉज द लास्ट पार्ट इट वॉज अंडर द ऑटोमन एम्परर। तो जो ऑटोमन एम्परर थे उनके अंडर में ये लास्ट पार्ट था जहाँ पर कि उसकी जो ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। As the wave of a nationalist hits the Europe, various Balkan identities started seeking independence. अब जैसे ही nationalism start होता है यूरोप में, तो यहाँ पे भी इन लोगों के अंदर भी एक चिंगारी आती है, इन लोगों के अंदर भी एक आग आती है कि हमें भी आज़ादी चाहिए, और फिर यहाँ से इनका start होता है। But the Balkan states were jealous of each other and started fighting over territory and this created internal conflict. अब जैसे कि क्या होता है कि जो Balkan state थे उनको एक दूसरे से जलन होती थी। अब जैसे कि मान लो कि घर में ही है, घर के अंदर 5 लोग हैं और उनको आपस में एक दूसरे से जलन हो रही है, तो किसी और को करने की जरूरत है कि वो खुद ही कर देंगे एक दूसरे का काम। एक कोई किसी का गला काट रहा है, कोई किसी का सिर फोड़ रहा है, वो अपने आप ही अंदर करके काम
खत्म हो जाएगा, किसी और को करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ही इसका बेड़ा गर्क हो गया था बल्कन स्टेट्स का। और फिर इसके बाद में आप आते हैं कि बिग यूरोपियन नेशंस विद द इनॉर्मस पॉलिटिकल पावर सच इज ब्रिटेन, रशिया, जर्मनी स्टार्टेड फाइटिंग अमंग ईच अदर ओवर कंट्रोलिंग द बल्कन एरियाज फॉर रिच रिसोर्सेज। बल्कन जो था उसके पास में बहुत ही ज़्यादा पैसा था, आप ये कह दो पैसा तो नहीं था उस टाइम पर, आप ये बोल सकते हो कि उनके पास में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। उनके पास में गोल्ड मिल जाता, आयरन मिल जाता, जो भी उस टाइम पर चाहिए था वो सब उनके पास में था। दिस क्रिएटेड अ बिग पावर राइवलरी ओवर बल्कान। तो मतलब एक तरीके से यहाँ पर एक सबसे बड़ा षड्यंत्र या फिर आप ये कह सकते हो इसके ऊपर बल्कान के ऊपर स्टार्ट होने लग गया था। फिर इसके अपने हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर क्या आता है कि एक्सप्लेन एनी योर रीजंस हाउ इनिशियल इंथुजियाज्म ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस सून टर्न टू हॉस्टिलिटी आफ्टर नेपोलियन टेक ओवर ऑफ फ्रांस। अब देखो यहाँ पर जो नेपोलियन था, नेपोलियन को लेकर के यहाँ पर अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले आते हैं कि इनिशियली द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम टू हारीबर्ग ऑफ लिबर्टी, बट इनिशियली इंथुजियाज्म सून टर्न टू अ हॉस्टिलिटी बिकॉज द पीपल ग्रेजुअली अंडरस्टूड द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। अब जैसे कि अगर कुछ भी नया होता है तो लोगों को टाइम लगता है उस चीज़ को समझने में, लेकिन जब वो समझने लग जाते हैं तो फिर उसके बाद में यहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है उन सभी को उससे समस्या होने लग जाती है। तो वही यहाँ पर हुआ, जब नेपोलियन आया था तो उसके बाद में लोगों को पता लगने लगा कि यहाँ पर यार कुछ तो दाल में काला, ये बॉल कुछ हो रहा है, ये कर कुछ हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है वो यहाँ पर बताया गया। द फोर फैक्टर विच सीम्स टू बी आउटवेट द एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चांसेस आर, सबसे पहला तो ये है कि इंक्रीजेस टैक्सेशन ऑन द पीपल। सबसे पहला तो काम ये कर दो कि टैक्स हर जगह के ऊपर लगा दो, आप जितनी भी इनकम कर रहे हो उसका आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, 20% टैक्स देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को आपको ये टैक्स तो देना ही देना है। फिर सेकंड ये आता है कि स्ट्रिक्ट सेंसरशिप ऑन प्रिंटिंग मीडियाज एंड बुक्स। तो अब यहां पर सबसे जो स्ट्रांग है वो ये कर दिया जाए कि जो सेंसरशिप लगा दी जाए। सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि कोई भी इल्लीगल चीजें आप नहीं छाप सकते। जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर क्या होता है कि जो मूवीज होती है उनको पहले सेंसर बोर्ड से पास करना होता है कि कोई भी ऐसी, अगर कोई भी उसमें पॉलिटिकल अगर किसी को हर्ट करा जा रहा है या फिर किसी एक कम्युनिटी के मतलब एक तरीके से उसको हिट करा जा रहा है, किसी के सेंटिमेंट हिट करा जा रहा है, तो उस सीन को हटवाया जाता है। तो एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि पूरा कंट्रोल जो था वो यहाँ पर मीडिया का और बुक का किसने ले लिया था, गवर्नमेंट ने ले लिया था। ना तो गवर्नमेंट की परमिशन के अलावा उस मीडिया में उनके खिलाफ कोई लिखेगा, अगर कोई लिखेगा तो उसको वहां से निकाल दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा, वो सब कर दिया जाता था। तो यहाँ पर पूरी मतलब सेंसरशिप उस पर लगा दी गई थी। फिर इसका मैं अपना हुआ था कि फोर्स रिक्रूटमेंट इन टू द फ्रेंच आर्मीज टू सेटिस्फाई द इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गांव में जाते थे, एक गांव है ठीक है, एक गांव है, गांव के अंदर गए, जैसे कि गाड़ी के अंदर गए और वहां पर जाकर के अनाउंसमेंट हुई कि जो भी 18 साल से ऊपर के लड़के हैं वो सभी के सभी आ जाइए, उनको आर्मी में भर्ती करा जाएगा। अब चाहे उनकी मर्जी हो नहीं हो, उनको उठा करके ले जाते थे। जैसे कि आप सोचो कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको आकर के बाहर से कोई कहे कि चल तुम्हें आर्मी में जाना, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, तो तुम क्या करोगे, रोते हुए तो जाओगे, यार मतलब मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो घर पे आराम से मस्त रहता हूँ, लेकिन पर ऐसे ले जाते। तो वहाँ पर ये एक तरीके से जो फोर्स रिक्रूटमेंट था वो बहुत ज़्यादा होता था पहले के टाइम में, अब तो नहीं होगा क्योंकि अब हर जगह के ऊपर डेमोक्रेसी है, तो ऐसा होगा भी नहीं कभी फ्यूचर में भी। और फिर इसके बाद में आप आगे रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम, फ्रीडम के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, आपके ऊपर फ्रीडम लगा दिया जाएगी, चलो भैया तुम 5 से 6 बजे तक ही बाहर निकल सकते हो, उसके बाद में नहीं जा सकते, लेकिन हमें तो फ्रीडम बहुत दे रखा है ठीक है। तो ये सब रीजन थे। फिर इसके बाद में आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर क्या आता है कि वॉट इज द मीन्ट बाय द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये जो क्वेश्चन है ये आ चुका है CBSE में 2014 के अंदर, ये क्वेश्चन आ गया था ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि CBSE ने एक बार पूछ लिया तो स्कूल वाले तो पूछ ही सकते हैं, स्कूल वालों का कौन सा पैसा लगेगा इसमें। तो सबसे पहले यहां पर आते हैं कि द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या आइडिया था। सबसे पहले यहां पर है कि सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स। तो यहां पर गांधी जी का कहने का मतलब ये है, सोल फोर्स का मतलब ये है कि ये कोई फिजिकल फोर्स नहीं है, हमें किसी से फाइट नहीं करनी, हमें हमारे जो एक तरीके से नॉन वायलेंस के दम पर हमें ये सब जीतना है।
फिर इसके बाद यहाँ पर सेकंड आता है कि ट्रूथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ अ सोल एंड दैट इज वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह। जो सच है वो सही एक तरीके से जो आप कह सकते हो कि जो सोल है हमारी आत्मा है उसका प्योर सब्सटेंस जो है वो है सत्य। मतलब आप सच बोलो, अगर कुछ भी आपको जीतना है तो सच बोलो, विदाउट एनी वायलेंस आप जीत सकते हो। फिर यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है कि द सोल इज इन्फॉर्म्ड विद द नॉलेज इट बर्न द फ्लेम ऑफ लव। तो यहाँ पर एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो हमारा सोल है उसको नॉलेज चाहिए और वो जो जलता है वो जलता है प्रेम से, प्रेम से। आप समझ रहे हो ना, लव, लव मतलब कुछ अलग ही समझने लग जाते हैं। अब मैं क्या करूँ यार, ये लव अलग होता है। मतलब एक तरीके से आप लोग दूसरों से सही ढंग से अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से बात करो, एक तरीके से आप उनके साथ में अच्छे से, क्या बोलूँ मैं, अब लव को अफेक्शन, जो आपकी मम्मी का ट्रू लव तो वही है। ट्रू लव वो है जो कि आपका मदर का आपसे है, और तो बाकी के सभी फेक लव हैं। आपको बस बेवकूफ़ बनाने का नया नया तरीका है, वो बस लव का नाम दे दिया जाता है। वो लव वो कुछ नहीं होता, वो एक तरीके से अट्रैक्शन होता है एक दूसरे, वो छोड़ो। हमारा जो ट्रू लव है वो है मदर एंड फादर, और उसके अलावा कोई भी लव नहीं है। फिर इसका में फोर्थ आता है, वो आता है कि नॉन वायलेंस इज अ सुप्रीम धर्मा। जो एक तरीके से हथियार नहीं उठाना सबसे बड़ा धर्म है, तो जो इसका करेगा उसको पाप मिलेगा। ये सब था उसके बेसिस के ऊपर। और द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइजेस द पावर ऑफ अ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ। तो भैया यहाँ पर जो सत्याग्रह का आइडिया ये था कि शक्ति मतलब सच्चाई की ताकत क्या है, और द नीड टू सर्च द ट्रूथ मतलब ये सर्च जो है उसको ढूंढने की जरूरत क्यों है। और फिर इसका बाद में यहाँ पर आता है कि विदाउट सीकिंग एविगेंस और बीइंग एग्रेसिव अ सत्याग्रही कुड विन अ बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। ये कह सकते हो कि जो सत्याग्रही है जिसके पास में कि नॉन वायलेंस है वो उसके थ्रू भी एक बैटल को जीत सकता है। ये था गांधी जी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो सच बोलते थे और गांधी जी की वजह से ही आज हम लोग फ्रीडम में हैं। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता हुआ था क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर की कहा गया है कि राइट अ नोट ऑन काउंट कैमोली डी केवर। अब यार देखो ये नाम ही पता नहीं कैसा है, तो अब इसको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है। बस मैंने एक एज अ क्वेश्चन जो था कि एक फेमस पर्सनैलिटी के बारे में आपको याद रखना है, तो वो उसके बारे में आपको ये थोड़ा याद रख लेना क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले एक बार मेरी बात सुनो, लाइक कर देना और उसी के साथ में शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा सिलेबस रिविजन नोट्स के साथ में, ठीक है, नोट्स के साथ में रिवाइज करेंगे। और जो साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी अपलोड कर दिए, तो वो सब आप लोग एक बार देख लेना ताकि आप लोगों को अच्छे से रिविजन हो जाए। और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।